पब्लिक टीवी आपकी आवाज। संयुक्त आयुक्त उद्योग कार्यालय के परिसर में वोकल फॉर लोकल मेले का धूमधाम से आगाज किया गया। प्रदेश के कई जिलों के शिल्पकार अपनी अनूठी कारीगरी के लिए निर्मित उत्पादों के साथ यहां पहुंचे। उन्होंने स्टॉलों पर अपने उत्पादों को सजाकर प्रदर्शनी में एक नया आयाम भर दिया। मुरादाबाद समेत प्रदेश के सभी जिलों में वोकल फॉर लोकल में मेले की शुरुआत हुई है। सभी जिलों में प्रदेश के सभी प्रमुख ODOP उत्पादों की प्रदर्शनी का आयोजन हो रहा है। मुरादाबाद में यहां के हस्तशिल्प उत्पादों के साथ ही लखनऊ के चिकन, बरेली की जरी, भदोही की कालीन आदि जिलों के साथ ही खादी ग्रामोद्योग उत्पाद प्रदर्शित किए गए। जरी जरदोजी की कला से दमकते वस्त्र उत्पादों के साथ बरेली के स्टॉल पर जरी जरदोजी की शिल्पकार फातिमा जहरा काफी उत्साहित दिखी। मुरादाबाद में प्रोजेक्ट स्नेह के स्टॉल पर हस्तकला के विभिन्न उत्पादों के साथ गरिमा सिंह, प्रभा गाय के गोबर से बने उत्पादों के स्टॉल की संचालक डॉक्टर रूपा घोष, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के खादी ग्रामोद्योग के स्टॉल पर चरखा प्रदर्शित करते सुभाष शाही काफी उत्साहित नजर आए। तो वहीं गाय के गोबर से निर्मित पेंट को प्रदर्शित करने में गौरी जैन अपनी भूमिका निभाती हुई नजर आई। इसका जो लिक्विड होता है उसको ब्लीच करते हैं पहले, फिर प्लांटर में डाल के 4 घंटे का उसको प्रोसीजर होता है, जो उसका प्लांट है उसमें डालते हैं। तो सीखना पड़ता है इसको बनाना। जयपुर में इसका वो है, खादी ग्रामोद्योग का इंस्टीट्यूट है, वहाँ जाके सर पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। गाय का गोबर खरीद रहे हैं आप? गाय का गोबर गौशाला है, 1300 है। किस नाम से है गौशाला? ये है हमारी गणपति गौशाला। अच्छा अच्छा, दस गाड़ी। तो आप वहाँ से आई हैं? हम मुरादाबाद के लिए, लेकिन ये हमने प्लांट वहाँ लगाया, तो इसमें जो है इसको हम अगर यूज़ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों के फायदे हैं, क्योंकि एक तो ये एंटी फंगस है, इसमें फंगस नहीं लगेगा, एंटी बैक्टीरियल है और इको फ्रेंडली है, क्योंकि केमिकल्स नहीं है। तो टेम्परेचर पे भी फर्क पड़ेगा, जैसे AC काम करता है, ये बिल्कुल AC की तरह, और नेगेटिविटी को दूर रखेगा, जो पॉजिटिविटी है हमारे। कितने रुपए क्या कॉस्ट आ रही है? इसकी कॉस्ट जो है तय कर दी गई है खादी ग्रामोद्योग से, नितिन गडकरी जी ने वही रेट रखेंगे, कोई कम ज़्यादा नहीं कर सकता। इसका डिस्टेम्पर का रेट 120 रुपये लीटर है और इमर्शियल का रेट है 225 रुपये। अभी हम इसका ऑयल पेंट भी बना रहे हैं, अभी इसका रेट और सब चीज़ें फिक्स नहीं हुई है, और जो सॉलिड बचता है गोबर का उससे वॉल पुट्टी बनाई है, वॉल पुट्टी भी बनाई है। सब चीज़ों का प्लांट लग गया है, अभी धीरे धीरे शुरुआत हुई है, सारी पॉजिटिविटी रहेगी। कोई भी जैसे हम पुराने घरों में गोबर से लीपते थे घरों को, आजकल वो सब तो सक्सेस नहीं है, क्योंकि पत्थर हैं लगे हुए, तो कोई हम गोबर से लीप ले सकते हैं नहीं पक्के घरों को। तो अगर हम इसको प्राकृतिक पेंट को करते हैं तो वही सारी चीज़ें जो कि गोबर के लीपे के घर में आती थी, वही सारी पॉजिटिविटी हुई है। लॉन्च किया है 21 जनवरी को, और खादी ग्राम इंडिया ने इसको हमें सर को दिया, ट्रेनिंग दी जयपुर में, इसका इंस्टीट्यूट उन्होंने बना दिया है, जो भी है वो इसकी ट्रेनिंग ले पहले, और गोबर से कैसे पेंट बनाना है वो सीखे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरी जैन है। कहाँ रहती हैं? मैं मानपुर में रहती हूँ। दिव्यज्ञा केयर वेलनेस फाउंडेशन है हमारी, जिसमें हम गाय के गोबर से बहुत चीज़ें बनाते हैं, लेकिन अब हमने जगह जगह सारी गौशालाओं से हम करते हैं काम, और गाँव में सिखा के लेडीज़ को वहाँ सबको सिखाते हैं बनाना, ताकि वो अपने पशुओं को आराम से पाल सकें। प्लांट कहाँ आपका लगाया? ये प्लांट हमारा लगा है ब्रिज घाट, हमारी गौशाला है एक बड़ी, अमरोहा नहीं, ब्रिज घाट गढ़। तो ये जो पेंट है इसको नितिन गडकरी, जिला उद्योग केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा वोकल फॉर लोकल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। मैं समझता हूँ छोटे हस्तशिल्पियों को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, और तरह तरह के हस्तशिल्पियों ने अपनी तरह तरह की कलाकृतियों का यहाँ प्रदर्शन किया है। मैं समझता हूँ सरकार की जो पहल है, उस पहल को इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने पहल की है, उसके लिए सरकार मुबारकबाद की मुस्तहिक है। और उसके साथ साथ वो हस्तशिल्पी जो इस प्रदर्शनी में अपना भाग प्रतिभाग कर रहे हैं, उन प्रदर्शन उनको नया प्लेटफॉर्म मिल पाएगा। सरकार के द्वारा ये इस तरह के मेलों का आयोजन किया गया, कितने आपको कितना फायदा मिलेगा? फायदा मिल जाएगी मेरा
ज़रूरत रहती है इस तरह के प्रोग्राम्स की, कहीं ना कहीं आगे जाने का मौका मिलता है। हम काफ़ी उत्साहित है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जो लोग आ रहे हैं वो हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि काव ढंग से बने हुए हैं, गाय के गोबर, देसी गाय के गोबर से बने हुए हैं, जो कि हमारी खाना को उत्साह में बिहार में बनते हैं, और इसमें हर्बल फिनाइल भी है जिसकी लोगों ने काफ़ी प्रशंसा की, और गौ माता के जो कुछ और प्रोडक्ट हैं जिनकी की काफ़ी आवश्यकता है आगे बिक्री हो रही है। सरकार का सराहनीय कदम, हाँ ये बहुत सराहनीय कदम है जिसका कि हमें आगे जाके गौ माता को फायदा होगा। मेरा नाम अभय सिन्हा। किस तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं और जो सरकार के द्वारा जो मार्केट लगाया गया है उससे क्या सोचते हैं, कितने आपके काम को बढ़ावा मिलेगा? ये हमारा खाना गौ सेवा केंद्र मिलन बिहार दिल्ली रोड पे गौशाला है। हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल्स का एक थीम दिया है, इसके पीछे मंशा है कि हर जिले की कुछ न कुछ खासियत होती है, वहाँ के कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में जाने जाते हैं। जैसे अपने प्रदेश की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट दिया है। अगर हम मुरादाबाद ज़िले की बात करें तो यहाँ मेटल हैंडीक्राफ्ट को DOP में आता है। ऐसे ही प्रदेश के जो हमारे 75 ज़िले हैं और अन्य प्रदेशों के भी जो प्रोडक्ट हैं उसकी यहाँ पर एग्जीबिशन लगाई गई है। इसके पीछे मुख्य मंशा ये है कि लोग इन प्रोडक्ट को जानें, पहचानें और इसका अधिक से अधिक लोग उपयोग करें, जिससे न केवल जो इस उद्योग में लगे लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा बल्कि उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। ये जो आज एग्जीबिशन लगी हुई है ये 2 अक्टूबर तक निरंतर चलेगी। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी जनपद वासियों से अनुरोध करूँगा यहाँ पर आएँ और अधिक से अधिक यहाँ पर आकर इंजॉय करें और अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदारी करें। थैंक यू।